किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। आप देख रहे हैं अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज है 31 मार्च 2019, जगह यही है जो मैंने आपको 15 फरवरी 2019 को दिखाई। उस दिन हमारे 200 सब्सक्राइबर थे और आज हमारे लगभग 4,800 सब्सक्राइबर हो गए। कितनी तेजी से आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है। आज मैं आपको जो मैंने 15 फरवरी को अमरूद की कटिंग करी थी उसको दिखाऊंगा कि ठीक ये 45 दिन, लगभग 45 दिन बैठते हैं, 45 दिन बाद उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या जो मैंने बताया था वो सच है या झूठ। बिल्कुल वही अमरूद है, वही जगह है। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा इधर उधर को दिखाओ, ये आपका, ये वही जगह है। ये वही अमरूद का पेड़ है जो मेरे घर पर लगा हुआ है, ये मेरी बैठक है और अब मैं आपको दिखाता हूं। चलिए उस अमरूद की जो उसमें कल्ले निकले हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उसका विश्लेषण करते हैं कि जो मैंने बताया था क्या वो सही है या नहीं। ये वो अमरूद है, इसमें हमने 3 शाखाएं छोड़ी थी, ये देखिए 1, 2 और ये 3। और मैंने बताया था कि प्रत्येक शाखा में लगभग 6 कल्ले आएंगे, मिनिमम 6 आएंगे। देखिए 1, 2, 3, इसमें 4 है, 4 × 8 है इसमें। एक इसके पीछे है, 2, 3, एक ये छोटा सा, ये देखिए ये निकल रहा है, 3, 4, 5, 6, देखिए ये कल्ले देखिए। अब इन कल्लों में आपको क्या करना है, और ये जो 2 नीचे निकले हैं कल्ले, ये देखिए नीचे वाले, ये कल्ले, ये जो नीचे वाले कल्ले हैं ये मेरे लिए बोनस है। ये क्यों बोनस है ये मैं बताऊंगा। और इसके नीचे देखिए ध्यान से, जितने भी कल्ले निकले थे मैंने उनको साफ कर दिया। कितना अच्छा पेड़ है, इसे मैंने डंडी की सहायता से बांधा हुआ है। आइए अब इन कल्लों में से कौन से हमें रखने हैं और कौन से नहीं रखने हैं ये मैं बताऊंगा, लेकिन ये कार्य मैं आज नहीं करूंगा, अभी 1 सप्ताह बात करूंगा। ये देखिए इसको लेते हैं, इसमें 2 कल्ले हैं, 2 × 2 = 4, 1 × 5 = 2 = 7 और 2 = 9 है। मैंने तो 8 कहा था, इसमें 9 निकले हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि प्रत्येक कल्ले में, जैसे इसको ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं, आप ध्यान से देखिए ये जड़ में, ये पहली पत्ती है जो इसकी नोड कहलाती है, ये दूसरी है और हर तीसरी, ये तीसरी है और ये चौथी है। तो आप ध्यान से देखेंगे हर तीसरी पत्ती पर इसमें कली आती है, ये कली देखिए, ये कली, ये फूल बनेगा। इसी तरह ये देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, तो जो पहले 2 नोड होते हैं उन पर फल नहीं आता और तीसरे से शुरू हो जाता है। ये देखिए 2 यहाँ पर आए हैं, ध्यान से देखिए 2 यहाँ पर आए हैं, 4 हो गए, 2 यहाँ आएंगे, 6 और 2 = 8, तो 8 कल्ले एक पर आएंगे। मैंने कहा था 4 आएंगे, 18 × 54 बोल दिया था मैंने, वो 72 था, एक भाई ने मुझे लिखा था। तो अब इनमें से आप ये देखना है आपको कि ये अमरूद का पौधा अभी 1 साल का है, यानी बच्चा है ये। अगर हम इस पर इतने अमरूद छोड़ देंगे तो अमरूद ग्रो नहीं कर पाएंगे और अमरूद भी बहुत अच्छा पेड़ नहीं बन पाएगा। अभी हमें इसे व्यस्त होने के लिए कम से कम 6 माह और इंतजार, वैसे 2 साल रखते हैं, 6 माह और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं अब इसकी कैनोपी बनाऊंगा, यानी छतरक बनाऊंगा इसका। तो 2 ये जो शाखाएं हैं नीचे वाली, नीचे दिखाओ, नीचे दिख रही है, ये जो 2 शाखाएं इनको रोकूंगा, देखिए ये इस प्रकार चलेंगे। और ये जो 3 शाखाएं हमने छोड़ी थी, इनमें से जैसे ये मुख्य है, कितनी अच्छी, ये रखूंगा, इसको मैं तोड़ दूंगा, इस वाली को, इसको रखूंगा, इन दोनों को रखूंगा मैं, इसको तोड़ दूंगा, इसको भी तोड़ दूंगा, फिर ये भी तोड़ दूंगा, ये 2 रखूंगा, फिर इसकी ऊपर वाली 2 रखूंगा। तो इसमें से ज्यादा 6 से 8 में रखूंगा। और जब इस प्रकार चलेंगी ये शाखाएं, आप ये देखिए, तो ये एक बरसात तक एक छाते का रूप ले लेगा। और जब मैं इसकी एक बार फिर तीसरी वीडियो बनाऊंगा, जब मैं इसको आपको जून, मतलब लगभग 10 जून के आसपास जब मैं इसकी कटिंग करूंगा, तो ये इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी और उसके बाद आप देखना एक पूरा छतरक बन जाएगा। किसान भाइयों, जो मैंने बताया था, मैंने भी सीखा है
जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो वीडियो था डॉक्टर ममता का, बहुत अच्छा था, वो मैंने फॉलो किया और देखिए कितना अच्छा मेरा पेड़ अब ये लग रहा है। इसमें एक चीज और नोटिस करिए आप, नीचे की तरफ देखिए कि मैंने पानी दिया गया है बहुत अच्छी तरह। मैंने इसमें खाद डाला था, बताया था जब कटिंग करते हैं उससे पहले खाद डालते हैं और पानी देते हैं, लेकिन पानी रोज नहीं देना है। जो ड्रिप वाले करते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन वैसे पानी रोज नहीं देना है। आप लगभग एक सप्ताह में एक बार दीजिए, थोड़ी मिट्टी सूखने दीजिए। जब मिट्टी सूख जाएगी 2-3 दिन नीचे तक, तो इसको थोड़ी सी गुड़ाई करिए और 1-2 दिन की धूप लगने के बाद अच्छी तरह पानी दीजिए। तो देखिए ये आपके, मैं इस पर कोई भी दवाई का, इधर को दिखाओ मेरे पास, मेरे को, मैं इस पर कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं करता, कोई भी फर्टिलाइजर नहीं लाता, सिर्फ अपना जो है ना गोबर का खाद और नीम की खली डालता। वेस्ट डिकम्पोजर मैं सप्ताह में एक बार करता हूं और आप देखें मेरे पत्तों पर कोई भी बीमारी नहीं। इस बात का प्रमाण है अगर आप सफाई रखेंगे और वेस्ट डिकम्पोजर का लगातार प्रयोग करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पत्ती का रस और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल देते हैं उस पर, तो आप सोने में सुहागे वाली बात है। तो किसान भाइयों, मेरे पास बहुत सारे 200 से 300 लोगों ने इस तरह से बताया है कि जी आपको देखकर हमने भी अपने अमरूद की कटिंग कर दी, और उसमें उन्होंने जब फोटो भेजे मेरे पास में, बहुत लोगों ने, मेरे पास बहुत फोटो हैं कि देखिए जी कितना हो गया। ये थी पहली बात। एक बात का ध्यान रखें, जब भी मैंने बताया, कुछ भाइयों ने ये डंडी, जो ये डंडी है, ये दिखाइए यहां से जरा, जो ये डंडी है ये 1 फीट से ज्यादा रखी है, जैसे आप इतने को देखें तो उन्होंने इतनी बड़ी से करी है। तो जब आप कटिंग करें, कल भी गुजरात से एक भाई का फोन आया था, उसने अपने पेड़ दिखाई कि जी मेरा पेड़ जो है ना 8 महीने का हो गया, बहुत बड़ा पेड़ था उसका, इतना बड़ा पेड़ था 7 फुट का। मैंने कहा भाई तुम्हें कटिंग करनी चाहिए थी इसकी जो है ना, तो उन्होंने उन्हें बताया कि अब आप कटिंग का मौसम नहीं है, अब आप इसकी कटिंग जून में करिएगा तो अच्छा पौधा हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधा रोपण के 25 से 30 दिन के बाद, जैसे ही आपको लगे कि इसने जड़ पकड़ ली है और कल्ले शुरू हो गए हैं, तो 2 फीट पर पहला कट लगा दीजिए। जो मुख्य शाखा होती है, ये वाली शाखा होती है, तो जैसे आप ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहां से मैंने ये काट दिया था, तो ये फिर यहां से 2-3 शाखाएं निकले। अब इसको ऊपर नहीं बढ़ने देना है, हमें पहले इसका छत्रक बनाना है, ये बनाना है। और जो लोग हाई डेंसिटी लगा रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो साधारण दूरी पर लगा रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने बताया था कि अमरूद पर जिस जगह पर एक बार फल आ गया वहां दोबारा फल नहीं आएगा। तो फल लगाने के लिए आपको क्या करना है, उसकी कटिंग बार बार करती रहनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, घबराइए नहीं, और इन चीजों को जो मैं बताता हूँ इनको फॉलो करिए, इनको देखिए, थोड़ा सा 1-2 जगह और भी पता करिए, एकदम किसी पर विश्वास भी नहीं करिए। आपका विश्वास बना रहे इसीलिए मैंने इस पौधे की ये वीडियो दिखाई है। अब भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे लिखिए, उनका उत्तर देकर मुझे खुशी होगी। धन्यवाद, नमस्कार। हो गया ना?